बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की बात करें तो आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद अब लाने वाले हैं अपने फैंस के लिए लाल सिंह चड्ढा जी। हाँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से जहां उनके फैंस इतना खुश नहीं हो पाए थे, वहीं लाल सिंह चड्ढा को लेकर उनके जो फैंस हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब से ये फिल्म अनाउंस हुई है तब से उनके फैंस जो है इंतज़ार कर रहे हैं कैसे इस फिल्म के बारे कोई नई अपडेट आए, कब इस फिल्म की फर्स्ट लुक आए, कब ट्रेलर आए। वही अगर हम इस फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमें पता चला है कि करीना कपूर नज़र आने वाली हैं आमिर खान के साथ और इनकी कॉलेज लाइफ की जो लव स्टोरी है वो दिखाई जाएगी इस फिल्म में। इस फिल्म में इनके 3 डेकेड्स दिखाए जाएंगे जहाँ करीना कपूर उनकी बेस्ट फ्रेंड का रोल अदा करती भी नज़र आएंगी, वहीं लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी इस फिल्म में। और अब देखना ये होगा कि करीना कपूर और आमिर खान की जो जोड़ी है दोबारा स्क्रीन पर आती है जब ऑडियंस को कितना अच्छा लगता है। पहले हम 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी जो है देख चुके हैं, वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म की जो शूटिंग का शेड्यूल है पहले पंजाब में रखा गया और 1 नवंबर से पंजाब के जलंधर, अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों में इस फिल्म की जो शूटिंग है शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग 100 अलग अलग शहरों में होने वाली है, यानी 100 अलग अलग लोकेशन पर शूट होने वाली है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल रीमेक होने वाली है। जैसा कि उस फिल्म में भी जो लीड एक्टर हैं अलग अलग कैरेक्टर में नजर आए थे, वैसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आमिर खान भी अलग अलग कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चला है कि आमिर खान एक पंजाबी लड़के का किरदार निभाने वाले हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने के काफी ज्यादा शौकीन है। अब देखना ही होगा कि लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर कब सामने आता है, कब आमिर खान इस फिल्म को लेकर और बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं और कब ये फिल्म सिनेमाघरों में लगती है। लेकिन फिलहाल इस फिल्म का क्रेज जो है आमिर खान के फैंस में बना हुआ है।